गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। मेरा नाम तरुण चावला है और ये जो वीडियो है ये 11वीं कक्षा से संबंधित है। 11वीं कक्षा से संबंधित है और ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। मैं आप लोगों का फिजिक्स टीचर हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस समय ऑनलाइन शिक्षण कार्य चल रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हम लोग जो भी टॉपिक से रिलेटेड है उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको रोज सेंड किया करेंगे, भेजा करेंगे। उसी से संबंधित हम आपको जो भी गृह कार्य होगा या जो भी नोट्स होंगे वो भी आपको हम उसके ग्रुप पर आपको प्रोवाइड कराया करेंगे, ठीक है। जैसा आपको ये विदित होगा कि राजस्थान सरकार द्वारा 11वीं कक्षा के कोर्स को यानी सिलेबस को बदल दिया गया है। अब 11वीं कक्षा में पहले की तरह सिलेबस नहीं है, जो पूर्व का 11वीं कक्षा का सिलेबस था वो नहीं है। इसलिए अगर किसी बच्चे के पास पुरानी किताबें हो 11वीं क्लास की या उसके पास कोई पुराने नोट्स अवेलेबल हो 11वीं कक्षा के तो वो अब काम नहीं करेंगे। आपको अब नई कक्षा के लिए नया सिलेबस ही लेना पड़ेगा। नया सिलेबस आई थिंक मेरे हिसाब से मार्केट में अवेलेबल हो गया है, आप देख सकते हैं, नया सिलेबस आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपकी प्रथम ऑनलाइन कक्षा है तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि भौतिक विज्ञान, ठीक है, पूर्व की जो बुक्स थी, पहले की जो किताबें थी, उन किताबों में जो सिलेबस हुआ करता था, पहले जो किताब थी उन किताबों के सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी उन किताबों में आप लोगों का 14 यानी 14 चैप्टर हुआ करते थे। पहले की बुक में केवल 14 चैप्टर हुआ करते थे और अब जो बुक आएंगी, नई जो बुक आएंगी, इसमें आपके 15 चैप्टर होंगे और ये बुक आपकी दो पार्ट्स में आएगी। पहले वाली जो बुक थी वो केवल एक ही हिस्सा था, एक ही पार्ट था उसका, लेकिन अब जो बुक मार्केट में आएगी उसके दो हिस्से होंगे, पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है। अब जो आपके पास भौतिक विज्ञान की पुस्तक आएगी उसके दो भाग होंगे, एक तो होगा भाग वन और एक होगा आपका भाग टू। भाग एक में आपके 1 to 8, 1 से 8 तक के चैप्टर्स होंगे और भाग दो में आपके 9 से 15, यानी भाग एक में आपके 8 चैप्टर होंगे और भाग दो में आपके 7 चैप्टर होंगे, ठीक है। तो ये आपको बुक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप किसी बुक सेलर के पास जाएंगे, वो आपको ये बुक दे देगा, मार्केट में अवेलेबल है ये बुक, ठीक है। आप इन बुक्स को परचेज कीजिए और नहीं तो एज सून एज जब तक पॉसिबल हो सकेगा उतनी जल्दी से जल्दी ये किताबें मार्केट में आ जाएंगी, ठीक है। तो आइए आज हम आप लोगों के लिए चालू करते हैं भाग एक का सबसे पहला चैप्टर, भौतिक जगत। सबसे पहला चैप्टर आपका है भौतिक जगत। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। देखिए फिजिकल वर्ल्ड, मैं आपको एक बात बता दूं, 10वीं कक्षा तक ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं था, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं था कि भौतिक विज्ञान कोई अलग सब्जेक्ट होगा, रसायन विज्ञान कोई एक अलग सब्जेक्ट होगा, जीव विज्ञान कोई एक अलग सब्जेक्ट होगा, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं था। 10वीं तक एकमात्र किताब चलती थी विज्ञान,
जिसके अंदर रासायनिक विज्ञान का भी पाठ्यक्रम होता था, भौतिक विज्ञान भी होती थी, जीव विज्ञान भी होती थी, लेकिन अब हम साइंस लेने जा रहे हैं तो ये सब्जेक्टों को क्लासिफाइड कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। तो आइए सबसे पहला जो हम बात समझेंगे वो है साइंस। साइंस, साइंस जो ये जो वर्ड है, साइंस वर्ड लगता है इंग्लिश का शब्द है, पर मैं आपको बता दूं वास्तव में जो साइंस है वो एक वर्ड सिंटिया, सिंटिया एक वर्ड है, सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? ग्रीक यानी कि यूनानी शब्द है, एक यूनानी शब्द से इसको लिया गया है सिंटिया। इस सिंटिया का, सिंटिया के शब्द से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है टू नो। अरबी भाषा में इसका अर्थ है इल्म, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे इल्म, और संस्कृत भाषा में इसका अर्थ है विज्ञान। हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा की हिंदी की जननी रही है। तो आप जो शब्द पढ़ते हो ना विज्ञान, दसवीं क्लास में जो एक किताब चलती है विज्ञान की, वो एक्चुअलिटी में संस्कृत से लिया गया शब्द है। संस्कृत शब्द है विज्ञान। तो जो साइंस जो शब्द है, साइंस का जो शब्द आया है वो आया है कहां से बेटा? विज्ञान, संस्कृत वर्ड से आया है। अरबी भाषा में इसको इल्म बोलते हैं। अरबी भाषा ऐसी भाषा जो मोमडन्स लोग में या फिर अरब कंट्रीज में जो इस्तेमाल की जाती है उसका अर्थ यहां पर इल्म है, और इंग्लिश में इसका मतलब है टू नो यानी कि जानना। ये साइंस का अर्थ है, विज्ञान का ये अर्थ है टू नो, इल्म, विज्ञान। इन तीनों शब्दों को भले ही अलग अलग भाषा ने अपने हिसाब से रखा है, लेकिन इन तीनों ही शब्दों का जो अर्थ है वो है जानना। और जैसे कि आप जानते हैं कि विज्ञान से हमारा अर्थ क्या है, विज्ञान से हमारा अर्थ है हमारा ज्ञान, हमारे चारों तरफ का ज्ञान, वो सब इसके अंदर आता है विज्ञान। अब इस साइंस को भी डिवाइड किया गया, डिवाइड यानी इसके भी पार्ट्स बनाए गए। आइए देखते, आई थिंक मैं सोचता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि साइंस जो शब्द है वो सिंटिया से लिया गया है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जानना, किसी चीज को समझना, और अरबी में इसको इल्म बोलते हैं और संस्कृत में इसको विज्ञान कहते हैं। आइए देखते हैं हम और इसके बारे में क्या है। ठीक है, मैंने कहा था कि विज्ञान को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा, मुख्य रूप से तीन भाग, मुख्य रूप से ये तीन भाग। सबसे पहला है फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान। देखिए भले ही हम हिंदी मीडियम की क्लास ले रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में अर्थ आना चाहिए। तो भौतिक विज्ञान को हम लोग फिजिकल साइंस, वैसे तो मैं दोनों ही भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। आप जानते हैं आज का युग आधुनिकता है और आधुनिकता में अंग्रेजी भाषा को बहुत महत्व दिया जाता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी बेकार है, हिंदी बहुत अच्छी है और हमारी मातृभाषा है, हिंदी ही हमारे को पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या है कि जब आप आगे बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो कम से कम बेसिक शब्दों में अगर वहां जाके बोलेंगे कुछ शब्द इंग्लिश में तो हमें वो समझ में आने चाहिए कि वो क्या है।
ठीक है। तो भौतिक विज्ञान का मतलब है फिजिकल साइंस, जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान। दूसरा इसका है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल साइंस। और तीसरा हमारा है जीव विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। ये जीव विज्ञान भी दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें एक आपका आता है जूलॉजी और एक आता है, एक तो आपका आता है जंतु विज्ञान और एक आता है आपका वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी। देखिए ये विज्ञान को तीन हिस्सों में बांटा गया, यानी विज्ञान का अर्थ तो मैं कह ही रहा हूं, विज्ञान का अर्थ तो जानना है, लेकिन उस जानना है उस जानने को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया, तीन अलग अलग ब्रांचेस में इसको डाला गया। ये जो भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान या जीव विज्ञान, ठीक है, ये जो आपका तीनों का ये जो सब्जेक्ट है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान या जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान को हम लोग फिजिक्स, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, विज्ञान की इस शाखा को मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, इस शाखा को, विज्ञान की इस शाखा को, भौतिक विज्ञान की शाखा को, यानी फिजिक्स को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, ठीक है। तो इस शाखा के अंतर्गत फिजिक्स जो शब्द है, ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है नेचर, इंग्लिश में इसका अर्थ है नेचर और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकृति। यानी फिजिक्स भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत आप प्रकृति या प्रकृति से संबंधित ज्ञान का अध्ययन करोगे। भौतिक विज्ञान आपके विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत आप प्रकृति या प्रकृति से संबंधित ज्ञान का अध्ययन करोगे। नेचर से रिलेटेड चीजों को अगर आप पढ़ेंगे तो वो भौतिक विज्ञान के अंदर उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। मैं समझ रहा हूं आप लोगों के पास समझ में आ रही होगी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। भौतिक विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं प्रकृति के बारे में। रसायन विज्ञान ये केमिकल के ऊपर आ जाती है। दसवीं क्लास में आपने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा होगा, एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व। इस विज्ञान के अंदर ऑर्गेनिक भी होती है, इनऑर्गेनिक भी होती है, फिजिकल साइंस भी होती है। तो इसके अंदर जो हम अध्ययन करते हैं, रासायनिक विज्ञान में हम जो अध्ययन करते हैं, वो हम अध्ययन करते हैं केमिकल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कंपाउंड के बारे में, तत्व, यौगिक, मिश्रण, उन सब चीजों का, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, वो यहां अध्ययन होता है। और भौतिक विज्ञान में हम लोग स्टडी करने वाले नेचर की। रही बात बायोलॉजी की यानी जीव विज्ञान की, तो इसमें प्राणी विज्ञान है, एक तो जंतु विज्ञान जिसको अपन बोलते हैं, और एक होता है वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम लोग पेड़ पादप वगैरह की स्टडी करते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि विज्ञान जो है बहुत विस्तृत है, और विज्ञान को एक ही किताब में समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब हम एक विषय विशेष के रूप में विज्ञान को चुन रहे हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम जो विषय ले रहे हैं, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, ये हमारा एक मेन अध्ययन होना चाहिए कि विज्ञान में हम उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे या जानने की हम उन चीजों को कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं आप लोगों को काफी हद तक ये समझ में आया होगा। और भौतिक विज्ञान मैंने आप लोगों को बता दिया है, फिजिक्स आपकी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत आप प्रकृति या प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
हाँ कुछ बच्चे ये दिमाग में ये आ रहा होगा, सर मैथ कहाँ से गई, फिर मैथ विज्ञान में नहीं आती क्या? देखिए सर, मैथ जो होती है वो हेल्पिंग सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान की और भौतिक विज्ञान की। कहने को तो एक विशेष है मैथ, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और मैथमेटिक्स यानी कि गणित, ये एक विशेष सब्जेक्ट है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान ये एक अलग विषय है। यानी अगर आप मैथ लेते हैं तो भी आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़नी पड़ेगी, और अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो भी आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़नी पड़ेगी। यानी आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि हम मैथ लें कि बायोलॉजी लें, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आप कोई भी विषय ले लीजिएगा, भौतिक विज्ञान तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। यानी आपका मेरे से तो कम्युनिकेशन संवाद जारी रहेगा, ठीक है? तो आइए आगे चलते हैं, भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए मैं कुछ घटनाओं के बारे में बात करूंगा, प्रकृति में दिखाई देने वाली कुछ घटनाओं, और उसको बताऊंगा कि वो किस तरह से भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई है। सबसे पहली घटना है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बहुत सामान्य सी एक घटना है। इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? जब बरसात हो चुकी हो या पृथ्वी के किसी एक हिस्से में बारिश हो रही हो और दूसरे हिस्से में क्या हो, सूरज चमक रहा हो। तो अगर सूर्य की तरफ हम पीठ करके देखें तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना है। परावर्तन अपवर्तन तो होते ही हैं, पर साथ के साथ उनमें जो मुख्य रूप से होता है वर्ण विक्षेपण। जो प्रकाश सूर्य से आता है उसमें एक रंग नहीं होते हैं, सात रंग होते हैं जो इंद्रधनुष में हमको दिखाई देते हैं। इसको समझाने के लिए, प्रकृति में होने वाली इस घटना को समझाने के लिए हमको वर्ण विक्षेपण की मदद लेनी पड़ती है। दूसरी एक घटना देखिए, ये मैं आपको वही एग्जाम्पल लूंगा जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में यानी 10th क्लास में पढ़े हैं। आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग, या फिर आपने देखा होगा समुद्र का नीला रंग, समुद्र भी तो आपने देखा होगा, रियल में नहीं देखा होगा तो पिक्चरों में देखा होगा। तो आकाश भी आपको नीला दिखाई देता है, समुद्र भी आपको नीला दिखाई देता है। ये जो घटना है ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। आकाश का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है, ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा देखिए, रॉकेट प्रक्षेपण, इसको रॉकेट नोदन भी कह देते हैं, नोदन, रॉकेट प्रक्षेपण, रॉकेट का उड़ना। रॉकेट सामान्य वायुयान की तरह नहीं उड़ता है, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का उड़ना, आकाश में उड़ना जो है, या प्रक्षेपण होना, लॉन्चिंग बोलते हैं इसको। ये भाई साहब संवेग संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण के नियम के साथ साथ न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित घटना है। मतलब रॉकेट का प्रक्षेपण जो होता है, ये मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो हम लोगों ने देखा है सामान्य तौर पर, ठीक है? अब हम जो हम सामान्य तौर पर देख रहे हैं तो उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो रॉकेट का प्रक्षेपण जो है वो एक संवेग संरक्षण के नियम और न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित एक समस्या है। उसी के आधार पर रॉकेट के प्रक्षेपण को समझाया गया।
ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग, आपने देखा होगा कि अगर हम लोहे की बनी हुई गेंद हो, लोहे की बनी हुई गेंद, उसको अगर हम पानी में डालें, डूब जाना उसने, लोहे की बनी हुई गेंद पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे के बड़े बड़े जहाज, लोहे की बनी हुई गेंद जल में डूब जाती है, जबकि लोहे के बड़े बड़े जहाज समुद्र में आराम से तैरते रहते हैं। लोहे के बड़े बड़े जहाजों पर ये सब सिद्धांत काम नहीं करते क्या? लोहे के बड़े बड़े जहाज तैरते रहते जबकि लोहे की गेंद डूब जाती है। इसका कारण है आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। ये सब हम देखते हैं अपने चारों तरफ, ठीक है। और देखते हैं, आइए, वायुयान का उड़ना, वायुयान की उड़ान, आपने अगर हवाई जहाज देखा हो और हेलीकॉप्टर देखा हो, दोनों में बेसिक फर्क क्या है? दोनों में बेसिक फर्क यह है कि हवाई जहाज में आपको पंखा देखने को नहीं मिलेगा, जबकि हेलीकॉप्टर में देखने को मिलता है। हवाई जहाज की एक शेप, एक साइज ऐसी बनाई जाती है शेप के, हवा को चीरते हुए आगे निकलता है हवाई जहाज। तो वायुयान का जो उड़ना है यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है हवाई जहाज का उड़ना, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों का काफी हद तक थोड़ा बहुत ही सही, चलिए समझ में आ रहा होगा। ये बड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन यानी सामान्य एक तरह की इंट्रोडक्शन है। सामान्य रूप से आपको बताया जा रहा है कि भौतिक विज्ञान में क्या क्या चीजें होती हैं और हमें क्या क्या इसके बारे में अध्ययन करना है। हम थोड़ा बहुत पढ़ के भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ के आए, इन चीजों के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हो, हमें पता ही नहीं हो कि साहब ये क्या चीजें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको काफी हद तक इनके बारे में नॉलेज भी है, ठीक है। और देखिए, आपने देखा है जो पानी की टंकी होती है आपके घरों में, जल की टंकियां, जल की टंकी ऊंचाई पर लगाई जाती है, जल की टंकी अपने घर में सबसे ऊपर वाली छत पर जल की टंकी रखी है, जबकि ऊपर तो धूप भी पड़ रही है, बंदर भी आ जाते हैं, नुकसान भी होता है, फिर भी हम पानी की टंकी को सबसे ऊपर रखते हैं अपने घर में। कोई ना कोई तो उसमें फिजिक्स लग रही है, कोई ना कोई तो भौतिक विज्ञान उसमें लग रही है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो जल की टंकी ऊंचाई पर क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जितनी ऊंचाई पर इसकी लगाई जाएगी उतना ज्यादा वाटर का प्रेशर यानी कि दाब ज्यादा होगा। दाब से समझ में आया, आप इसको समझिए, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं अपने हाथ पे लेता हूं, दबाव लगाता हूं, क्या होगा? खूब ताकत लगाता हूं, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब मान लो मार्कर भी लगा देता हूं और एक सुई ले आता हूं और दोनों पर बराबर फोर्स लगाता हूं, ये तो मैंने मार्कर रख दिया और मैं एक सुई ले आता हूं, दोनों पर बराबर ऐसे लगाता हूं, तो मार्कर से तो मेरे कुछ नहीं होगा, लेकिन सुई जो है वो मेरे हाथ के आर पार चली जाएगी। यानी जिसका संपर्क क्षेत्रफल जितना कम है उसका दाब उतना ही कम होगा। अगर संपर्क क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब ज्यादा है, संपर्क क्षेत्रफल कम है तो दाब कम है। और जल के केस में यानी द्रवों के केस में जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतना ज्यादा दाब अधिक होगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, एक बार इनको देखिए फिर आगे चलते हैं। जैसा आपने देखा कि मैंने आपको कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र किया है फिजिक्स में, तो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो इन्हीं से संबंधित रहा करेगा। तो आज जो भी हम आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया करेंगे उससे संबंधित जो गृह कार्य होगा, जो शिक्षण कार्य होगा,
उसके नोट्स आपको आपके ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।